जनवरी व फरवरी माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। जोधपुर 24 जनवरी व 27 व 28 फरवरी, दिल्ली 25 व 26 जनवरी 4 फरवरी, चंडीगढ़ 27 जनवरी 3 फरवरी, मुंबई 28 जनवरी 13 व 14 फरवरी, बड़ौदा 29 जनवरी, दुबई 31 जनवरी व 22 व 23 फरवरी, अहमदाबाद 1 फरवरी, इंदौर 2 फरवरी, गोवा 16 फरवरी। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 0952902022। मेरे बेहद प्रिय और सम्मानित साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग के दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में, और साथ ही चर्चा करते हैं हम उसका जो संभव और सबसे संभव आसान उपाय है उसके ऊपर। आज आपको दृष्टिपात करना है अपनी जन्म पत्रिका के ऊपर और निगाह डालनी है राहु की स्थिति पर, यदि वो नवम भाव में बैठा हुआ है और केतु जो है वो तृतीय भाव में यदि बैठा हुआ है, और सारे जो आपके ग्रह हैं यदि वो ग्रह यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि एक विशिष्ट प्रकार का काल सर्प योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहा है, जिसको हम ज्योतिषीय भाषा में शंखनाद काल सर्प योग या फिर शंखचूड़ काल सर्प योग इन नामों से जानते हैं। ये क्या ऐसी विशिष्ट समस्याएं देता है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि अब हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कि हमें आप लोगों के ही माध्यम से कमेंट के जरिए प्राप्त होते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और हमारी ये श्रृंखला जारी है, आज इस श्रृंखला का 9वां चरण है शंखनाद काल सर्प योग। ये कुल हम 12 एपिसोड्स की ये श्रृंखला विशिष्ट रूप से काल सर्प योग का दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक उपायों को लेकर के हाजिर हुए हैं। तो साथियों, जब भी हम कोई एपिसोड बनाते हैं उस पर रिसर्च के दौरान जब केस स्टडीज की जाती है, तो उसमें कई प्रकार की कुंडलियों का अध्ययन किया जाता है। उसी पर एक चर्चा छोटी सी, जो कि सार गर्भित है परंतु सार्थक है और जरूरी भी है। एक कन्या जिसका कि विवाह एनआरआई व्यक्ति से होता है, स्वयं सुशिक्षित और सुसंस्कारित, उसके पिता जो हैं वो हर संभव कोशिश करते हैं एक श्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए, और इसी के खोज के दौरान उनको एक एनआरआई रिश्ता मिलता है। वो देखते हैं कि लड़के की बहुत अच्छी नौकरी है और इंग्लैंड में उसकी नौकरी है और वो वहाँ पर सेटल्ड है। ये सब देखते हुए उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दिया। साथियों, इसका पूरा मजमून ये है कि जब ये व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग, शंखनाद काल सर्प योग किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में होता है, उसको अपने विवाह के बाद अपने जीवन साथी और अपने ससुराल पक्ष के बारे में ऐसी कई बातें जानने को मिलती है जो कि शादी से पहले या तो उनको बताई नहीं जाती है, या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो छुपा दी जाती है। जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उस मामले में हुआ ये कि विवाह के 6 महीने बाद ही उस लड़की के जो पति की जो इंग्लैंड में नौकरी थी वो नौकरी चली गई। जब कारणों का पता लगा धीरे 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 धीरे, तो ये पता लगा कि वो नौकरी जो है वो किसी रिश्तेदार के माध्यम से उनको दिलवाई गई थी, क्योंकि उस लड़के की शादी नहीं हो रही थी कि वो बेरोजगार था, इसीलिए कुछ समय के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर उनको नौकरी दिलवा दी और उसी नौकरी के बिहाफ पर उन्होंने भारत में विवाह कर लिया। जब ऐसी स्थिति शादी के 6 महीने बाद में आई तो वो कन्या बहुत पीड़ित हुई। दूसरा, वो चूंकि सुशिक्षित थी इसलिए उन्होंने वहां पर नौकरी कर ली
और अपने पैसों से ही वो अपने पति का भी और ससुराल का भी भरण भरण पोषण करने लगी। इस बीच में उनके एक कन्या संतान भी हो गई। अब जो इतना सब कुछ होते हुए भी उनके ससुराल वालों को पति को एक लड़के की इच्छा थी कि हमें एक पुत्र संतान चाहिए। दूसरा जब दूसरी बार वो कन्या गर्भवती होती है तो दूसरी बार वो उसकी जांच करवाते हैं और उनको ऐसा पता लगता है कि कन्या जो है वो गर्भ में है तो उसका वो गर्भपात करवा देते हैं। तीसरी बार जब वो गर्भवती होती है तब भी वो ये प्रक्रिया दोहराते हैं और उनको ये पता लगता है कि इस बार भी जो कन्या है वो इनके गर्भ में है, परंतु इस बार ये जो कन्या, ये जो लड़की है, ये एक बोल्ड स्टेप उठाती है वापस भारत में आने का, अपने पिता के घर वापस आने का। क्योंकि वो देखती है, वो सोचती है कि ऐसे तो कई बार गर्भपात पे गर्भपात करते चले जाओ, इसका कोई अंत थोड़े ही होता है। और यहाँ पर आकर के पता चला जब वो उसको संतान हुई तो वो पुत्र संतान था। अब ये इसको आप तकनीकी कोई त्रुटि कह लीजिए या जांच की कोई त्रुटि कह लीजिए, इस प्रकार की ये घटना हो सकता है आपको फिल्मी लगे, परंतु ये शत प्रतिशत हकीकत है। उसके जो पति हैं वो नियमित रूप से शराब का सेवन करते थे। उनको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था कि भाई मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने बीवी का, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कोई नौकरी या बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और आज स्थिति यह है कि डाइवोर्स जो है वो फाइल हो चुका है और उन दोनों के बीच में अब लगभग लगभग पूरी तरीके से औपचारिक रूप से अलगाव की स्थिति आ गई है। अब कहने का यह है कि इस सत्य कथा में जितने भी प्रकार के मोड़ हैं, यदि वो आपकी कुंडली में हैं और शंखनाद कालसर्प योग आपको परेशान कर रहा है तो उसके उपाय पर भी मैं चर्चा करूंगा। साथियों, ये राहु यहां पर नवम भाव में बैठा है और नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है। कर्म करना हमारे हाथ में है परंतु उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए भाग्य। अब हम स्वयं, हमारे माता पिता ये जरूर तलाश कर सकते हैं कि हमारा जहां पर विवाह हो वो जीवन साथी सुयोग्य हो, परंतु उसके जो घर वाले हैं वो हमारा भाग्य है, अर्थात तो हमारा जो ससुराल पक्ष है वो हमें भाग्य से मिलता है। और इस स्थिति में ससुराल पक्ष सबसे कमजोर होता है। कभी भी आपके साथ में ससुराल का कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा ऐसी स्थिति में। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी चीजें जो नेगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं, विवाह के बाद में पता चलता है और आपको एक धक्का लगता है। शंखनाद काल सर्पयोग इस प्रकार की सारी चीजें देता है। अब बात करते हैं साथियों उपाय के बारे में, और ये जो उपाय है ये न केवल आसान है बल्कि चमत्कारिक और शीघ्र असरकारी है, अनुभव सिद्ध है। साथियों, यदि इस प्रकार का कोई कालसर्प योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को आपको 9 नारियल, जो जटाधारी नारियल जिसके ऊपर जटा होती है उसको हम अगर बजाते हैं तो उसमें से जल की आवाज आती है, ऐसे 9 नारियल आपको प्राप्त करने हैं। और जिस किसी भी शहर में आप रहते हैं उसी शहर के 9 मंदिरों में आपको एक 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 करके नारियल जो है वो चढ़ाने हैं। शुरुआत आपको शिव मंदिर से करनी है और प्रत्येक मंदिर में आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में जो इस प्रकार का कालसर्प योग, शंखनाद कालसर्प योग है, इससे दूर करने का, इसके प्रभावों को दूर करने का कार्य करें। ऐसी प्रार्थना दिल से करें। ये जो 9 नारियल हैं ये 9 ग्रहों के निमित्त हैं, इसलिए आपको उसका कोई ऐसा किसी ग्रह के लिए नहीं करना है एक एक करके, आपको केवल अपनी तरफ से 9 नारियल जो है वो 9 एक ही दिन में 9 अलग अलग मंदिरों में चढ़ाना है। शुरुआत आपको शिव मंदिर से करनी है। साथियों, आप इससे लाभ उठाइए, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सोनम सिंह जी का। आपने लिखा है कि जो 2 पत्रिकाएं आपने बताई हैं कि आपकी और आपके होने वाले पतिदेव की, आपके जो पतिदेव हैं
जो होने वाले पतिदेव हैं वो मंगली हैं पूर्ण रूप से और आप नॉन मंगलिक हैं, क्या करना चाहिए? सोनम जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके भावी वैवाहिक जीवन की, और उससे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने भावी पतिदेव से ये गुजारिश करें, ये निवेदन करें कि वो 8 मंगलवार तक लगातार व्रत करें, एक समय भोजन करें और सिर्फ लगातार 8 मंगलवार तक व्रत करें, उसके बाद ही आप विवाह बंधन में बंधें। इस प्रकार से जो मंगल का प्रभाव है वो कम होगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको हमारा कार्यक्रम कुछ बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो घंटी का बेल का आइकन है वो ज़रूर दबाइए ताकि हमारी तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए। हमें अपना स्नेह देने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप स्वस्थ व समृद्ध बने, नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।